और यहाँ ना पीछे अगर सर फूट जाए तो पीछे छोटा दिमाग होता है, क्रांतिवीर देखिए ना। अच्छा, इधर छोटा दिमाग होता है। ये क्या किया तुमने भाई, किया जो तुमने क्या? यहाँ पे बना है डोसा, यहाँ पे बनी है चटनी घर की, पुदीना धनिया सबकी चटनी बनाई है। मैं ये खाने वाली हूँ। मैंने जैसे कि आपको बताया था मेरी डाइट शुरू हो गई है, एंड डाइट का मतलब ये नहीं है कि मैं कार्ब्स छोड़ रही हूँ। आई एम ट्राइंग अ डिफरेंट डाइट, उसके हिसाब से मैं चलूंगी। खाते के साथ एक्सरसाइज के साथ आई एम गोइंग टू लूज माई वेट। और ये देख लो। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं तैयार हूँ एकदम, ना के आज अच्छी तरह से बाल धोए हैं, ये देखो अच्छी तरह से वॉश किए। अब मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी और अपनी योगा क्लास करूंगी, उसके बाद फिजियोथेरेपी करूंगी। गीतांजलि ने मेरे को ये देखो कुछ भिजवाया है, बड़ी अच्छी सी चद्दर है, मेरे को ऐसा लगता है। प्रिंट तो अच्छा है, बहुत सुंदर है यार। चुंचा आपके लिए नहीं है ये, ये मामा का है। और दोस्तों कॉफी बना ले, अविनाश नहाने के लिए गया हुआ है। इस कॉफी मशीन की खासियत ये है कि फटाफट बता देती कि ये भरा हुआ है या ये भरना है या बीन्स भरनी है, सब कुछ बता देते हैं। यहाँ देखो जरा लड़ाइयाँ कैसी चल रही हैं, बुरी तरह से दोनों लड़ रही हैं। देखो कैंडी को देखो जरा, देख रही है भाग भाग के लड़ रही हैं एक दूसरे से, देख रहे हो? ये देखो, देखो जरा। अरे मार करी है इन्होंने। बट आप देख रहे हो कैंडी के अंदर चेंजेस देख रहे हो, कितनी एक्टिव हो गई है सर्जरी के बाद, ये बहुत एक्टिव हो गई है। आई एम सो हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज ये शायद बहुत परेशान रहती थी। थैंकफुली डॉक्टर ने डिसाइड किया और सर्जरी के बाद ये है रिजल्ट। तो जी पति देव यहाँ पे आ गए हैं, तुम चश्मा ही पहन के आ गए हो? मैं रेडी रहता हूँ भाई, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप मेरे लिए कॉफी बना दीजिए, लेकिन वो काम मुझे खुद करना पड़ा है और इसका करारा जवाब मिलेगा। स्मार्ट लग रहे हो। मैं जा रहा हूँ दोस्तों अपनी शूटिंग रेंज, काफी टाइम से छुट्टी चल रही थी, आज जाऊंगा थोड़ी शूटिंग करूंगा। शूटिंग करके मुझे बहुत सुकून मिलता है, मेरा माइंड एकदम फोकस हो जाता है, मुझे बहुत मजा आता है। ऐसा तो नहीं है तुम जो शूटिंग करते हो तो मेरे बुलेट में मेरी ही आंखें दिख रही होती है तुम्हें? मुझे मछली की आंख नहीं, मुझे संभावना की आंख दिखती है और दोनों में मारता हूँ गोली। कुत्ता पड़ा हुआ है साइड पे, वो देखो कुत्ते की हफड़ी निकली हुई है पूरी। हाँ थोड़ा एसी चला दूं क्या? चला दो, बहुत बुरा हाल है भाई कुत्ते का। तो ये तो लग रहा है कुत्ते को मार के भगाया किसी ने ना। चूचा कहाँ होगा बाबा? मम्मा के पास आओ ओ बाबा। It is hot as hell. वो देखो ना, उसका तो सब कुछ ही लूट चुका है यार। इनकी हालत खराब हो जाएगी यार, गर्मी देखो ना किस लेवल की उमस है। अभी योगा क्लास खत्म हुई है और इसको इतना बुरा लगा है कि मम्मी ऐसे कैसे लेटी हुई है, मम्मी ये क्या कर रही है। वो इतना रोई है ना अमिता की गोदी में, उसकी गोदी में चिल्ला चिल्ला के रोई है कि मम्मी के साथ कुछ गलत हो रहा है। यार ये कैसी लड़की है। तो दोस्तों आज का मेरा शूटिंग सेशन हो गया है, थोड़ा मिला जुला रहा क्योंकि काफी गैप हो गया था बीच में। इसमें मेन चीज होती है कि आप होल्ड करके गन को कितनी देर तक टारगेट पे सेट कर सकते हो, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड। तो धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस छूटती है तो आपका हाथ ज्यादा हिलने लगता है, और अभी तो मेरा शोल्डर इंजरी भी हुई हुई है उस वजह से भी थोड़ा है। लेकिन इससे नहीं माना जाता कि सेंटर में कौन शॉट मारता है, आप ग्रुप में कितना अच्छा मारते हो, मतलब आपके सारे शॉट्स कितने पास 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 में लगते हैं। तो आज मेरा ग्रुपिंग बहुत अच्छा हुआ है मेरे सेकंड कार्ड का। सर ने बोला है कि जितना अच्छा ग्रुपिंग होता है उतना ही अच्छा शूटर होता है, तो ग्रुपिंग पे फोकस कर रहा हूँ मैं आज। बहुत अच्छा हुआ, खुशी खुशी घर जा रहा हूँ, फोकस्ड हो गया माइंड एकदम। एक घंटे के बाद ना मुझे ऐसा लगता है कि सारी दुनिया सिमट के मेरे यहाँ आ गई है, और इतना काम और इतना पीसफुल फील होता है ना, आपको क्या बताऊँ। तो तीनों को मैंने खाना दे दिया, माँ बेटियाँ बच्चे तीनों खा रहे हैं, आपको दो दिख रहे होंगे पीछे भी है एक और। अब मैं जा रही हूँ फिजियोथेरेपी के लिए, आके मिलती हूँ आपसे। दोस्तों मैं आ गया हूँ घर पे, मेरी बेबी भी आ गई है और अभी थोड़ी देर में जाएंगे हम वो नए वाले शूज लेने के लिए। तुम तो कह रही थी यार पैर में ज्यादा दर्द हो रहा है और इतना नाच रही हो। क्योंकि पैर उस दर्द तो जोर ही डाल रही हूँ ना, इधर से उसका नाचने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नाच तो मैं ऊपर से रही हूँ, नीचे तो वहीं का वहीं है। देखो तुम्हें आज का कार्ड दिखाऊं अपना? दिखाओ। ये देखो इसमें क्या होता है, आप जितना अच्छा ग्रुप मारोगे ना। दीदी इतना पास पास मारा है तुमने। हाँ आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मेरी ये तुम मतलब मेरे को एक दो फिर बताती हूँ, बता चला मैं तो इंस्ट्रक्टर की मार दूँ।
वाह तुम बेबी स्टेट खेल जाओगे हैं मतलब मेरे को लगता है कि तुम थोड़ी प्रैक्टिस से तुम बहुत बड़ा वाला खेल जाओगे हाँ। मेरे साथ मत खेल जाना बंदूक के साथ खेलना और मैचेस खेलना हाँ हाँ 3 महीने में हो जाएगा मेरा मैच पहला करो इसको करो मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ जीतोगे तो उसकी वो मैं डंका तो मैं ही बजाऊंगी ना जीतने का हाँ दिखावा मैं ही करूंगी ना मैं मेरा पति जीता है खुद के पास तो कुछ है नहीं अपने पास कोई टैलेंट हो तो मैं बताऊँ ना कि मैंने ये किया है लेकिन तुम्हारे ही सपोर्ट से तो मैं जा रहा हूँ ना नाटकी चुनचा ना बाबा अरे सोफे के नीचे बेबी देखना जरा देखो ये नई जगह ढूंढी है इसमें छुपने की कहाँ देखना मेरा बाबा ऐसे कैसे नीचे छुप जाता है विकास को देख अच्छे कैसे छुप जाता हाँ से नहीं छुपता बेटा आराम से खींचो बेबी मेरे को काट रही है बेबी मुझे काट रही है छोटे से मुंह के साथ उनका फोन आ गया था ठीक है ठीक है तो शूज लेने जाने से पहले वहाँ भी तो जाना पड़ेगा ना कहाँ किडनी बेचने उसी से तो शूज आएंगे विकास तुम इतने पतले कैसे हो गए हो थोड़ा कमजोर हो गए तुम तो डॉग्स के साथ वो भी तो वॉक करता है ना तो ये मेरा बेबी मुझे लेने आया था लेने आ गया है हम दोनों चले आप जूते लेने जूता जूता रे पड़ेगा जूता रे तुम नहीं बोल सकते सोल लाई हो हाँ लेके आई ना सोल ही नहीं होगा तो जूते का क्या करेंगे आइए चलिए अपने पति पति को गाड़ी भी नहीं चलाने देती है किस तरह की औरत है बेल्ट लगाओ होल्ड करो पति उसको दबा के रखती है डोमिनेटिंग है खराब हो रहा है खराब औरत है तुम्हें कमेंट आएगा मैडम आपको सिर्फ जूते का ही नहीं अपना भी सोल बदलने की जरूरत है पता है लोगों को क्या लगता है क्या लोगों को लगता है कि कैमरे पे मैं कुछ और कर रही हूँ उसके बाद मैं कुछ और हूँ तो लोगों को लगता है मैं कैमरा बंद होने के बाद तुम्हें हंटर से मारती हूँ कुछ कहना चाहोगे लोगों को बताओ नहीं वो तो जिस दिन मैं कपड़े उतारूंगा तो निशान देख के पता चलेगा हंटर के मैं सोच रही हूँ इसके कपड़े उतरवा के आपको दिखाई दूँ कि कितने हंटर पड़ते हैं बहुत लोग लिखते हैं कई बार ना और मुझे समझ नहीं आता यार कि क्या क्या चल रहा है ये अरे अपने पति के साथ कितना खराब व्यवहार करती है ना सास ससुर की रिस्पेक्ट ना ही किसी कुत्ते की रिस्पेक्ट ना ही बिल्ली की रिस्पेक्ट सिर्फ दिखावा है दिखावा दैट्स इट फिर वो सुकून लेते हैं कि हमने गंद लिख दिया है ना तब उनको चैन की सांस मिलती है कि हमने संभावना को उतार दिया अच्छी तरह से समझती क्या आपने आपको बोलोगे नहीं आपने काफी बोल दिया तो जी हमने जूते ले लिए हैं हमले हमला करके जूते ले लिए दुकान से जूते ले लिया अभी ऊपर जाते हैं तो आपको दिखाते हैं बच्चे आते ही होंगे जी मेरी मंचू पिंचू और चिंटू तीनों आ गई है चल चल चलो चलो लेट्स प्ले ओके कम ऑन सारी बिल्लियों के लिए हो जाएगा ना ये सब इसी में से खाएंगी इसी में से नहीं सबको मैं डालूंगी लेकिन इसमें एक में बना दूंगी ना ये चलो कैंडी मेरे को डर लगता है तुझसे हट ओए कद्दू इधर ए बिल्ली खाना खाएगी चल नीचे आ कहाँ तेरे बच्चे ये रे बच्चे यही है कई गाड़ियों के नीचे छुपे रहते हैं पता है आ जाएंगे किसी गाड़ी के नीचे क्या करे अविनाश ये देखो एक और आई पीछे से खा के ये भगा रही है इसको नहीं नहीं बेटा तू लड़ना नहीं जरा इन लड़ना नहीं आपसे चलो चाहे खाना नहीं खाना तो दफा इसका दूसरा बच्चा कहाँ है आया 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 बोलते ही माँ क्यों नहीं खा रही है नहीं माँ मेरे को लग रहा है ना उसकी पहरेदारी कर रही है इससे बचाने के लिए हाँ हो सकता है ये कुछ करेगा कांड माँ सोच रही है पहले बच्चे खा लें फिर मैं खाऊंगी ये ना आपस में बिल्लियों की जो लड़ाई होती है ना वो बहुत खतरनाक होती है ये मार देती है एक दूसरे का सर फाड़ देती है पता है और मेरे को बिल्लियों से बहुत आपको पता है बिल्लियों से इतना डरती हूँ ये मैं क्या कलेश काट रही हूँ मुझे भी नहीं पता मुझे क्या ही हो गया है मैं अब मेरे को एक के बाद दो के बाद 3, 4, 5, 6, 7 इतनी बिल्लियां मिल गई है क्या ही करूँ मेरे को ना वो होने लग जाता है खाना नहीं डालती हूँ ना फिर मेरे को ऐसा लगता है यार नहीं यार गलत किया मैं पहले ना
खाना नीचे दे देती थी, अब मेरा लगता है बच्चों के कारण ना मैं अब भी खाना डालने आ गई हूँ। तो जी यहाँ पे आ गया है वेजिटेबल सूप, ये कुछ सैलेड है और यहाँ पे तीन बंदर है। तो जी जो जूते आए हैं उनको पहना जा रहा है। अच्छी बात यह है कि 30 डेज तक हम ये जूते एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते वो घर में पहने हो। अब पहन के कीचड़ में चली जाओगी तो नहीं होगा एक्सचेंज। नहीं नहीं वो तो ठीक है, मेरे को तो ये 3-4 दिन में पता लग जाएगा। वैसे तो अभी तो मतलब ठीक ही लग रहा है। मैं 5 राउंड मारो फटाफट। देखो अभी तक तो मेरे को इसमें ना ये है कि मेरी जो फ्रंट की जो नस है ना टो की वो नहीं खींच रही इससे। ओके। लेकिन ये जूते में अभी बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरे इनसोल डिफरेंट टाइप के हुए हैं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कभी मैं इधर को जा रही हूँ कभी मैं इधर को जा रही हूँ। जैसे उन्होंने बोला कि आधा घंटा सुबह पहनना आधा घंटा शाम को पहनना, एकदम से 1-2 घंटा नहीं पहनना। लेकिन यार मुझे लग रहा है आधा घंटा इस बात में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आधा घंटा पहनना मतलब आदमी पहन के बैठ भी सकता है, लेकिन आधा घंटा चलना होना चाहिए ना। चलना या खड़े होना, बेवकूफ नहीं, बेवकूफी तो खुद ही आप बोल रहे हो ना। आधा पहन के लेट थोड़ी जाना है पैर ऊपर करके, आप जूते पहनोगे तो चलोगे ही ना। चलिए मैडम आधा घंटा जूता पहनना है, पहन लिया है ना मैंने पहले थे लेकिन कुछ हुआ नहीं। मैडम वो जो पॉडियाट्रिस्ट है ना वो अपने लिए इंसोल बना के चलेगा उस पे। आप ये वापस कर दो मैं आपको डबल पैसे देता हूँ वापस। लेकिन शूज स्मार्ट बहुत लग रहे हैं यार मेरे भैया। स्मार्टनेस से ज्यादा इस समय किसी भी चीज से ज्यादा ये जरूरी है भाई। मेरा जो पैर में क्लिक हो रहा है, मेरे पैर का आगे से वेट हटा के उन्होंने पीछे शिफ्ट किया है, ये वाला वेट हटा के उन्होंने पीछे शिफ्ट कर दिया। लेकिन तुम्हारा वेट तो आगे नहीं संभल रहा था, पीछे तो गिर जा। पीछे तो गिरी जाओगी। और यहाँ ना पीछे अगर सर फूट जाए तो पीछे छोटा दिमाग होता है, क्रांतिवीर देखिए ना। वही ना। हाँ कैसे? अच्छा है अच्छा है, इधर नहीं मानेगा, यहाँ छोटा दिमाग होता है। अच्छा है मैं कर रही हूँ। अच्छा है अच्छा है, इधर छोटा दिमाग होता है। अच्छा ये क्या किया तुमने भाई? किया जो तुमने किया। अच्छा है अच्छा है। अरे भाई मेरे अंदर भी एक आर्टिस्ट है। लेकिन वो अब बाहर क्यों नहीं आ रहा है? दब गया था, दबा दिया। किसने दबाया है? लोगों ने दबा दिया। इस इंडस्ट्री ने मेरा हार्ट जो है वो पीस देव, ये इंडस्ट्री हमरा के कूच देव। जी आप वहाँ देख लो, इस बच्चे पे कतई भरोसा नहीं कर सकते, ये कुछ भी खुराफात कर सकती है। आधी रात को ये खुराफात कर रही है, क्यों चढ़ी है कैसे चढ़ी है कुछ पता नहीं है। एथिया एथिया माँ कोला की कर दी पैसी पागल जी ना होता। तो जी यहाँ पे पति देव कर रहे हैं अपनी स्ट्रेचिंग्स। स्ट्रेचिंग क्या हो रहा है मतलब? फिजियोथेरेपी। सॉरी सॉरी वही 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 बोल रही हूँ, मेरे को नहीं पता ना इसको फिजियोथेरेपी बोलते हैं। तो बेबी आज का व्लॉग आप एंड करेंगे, करिए। ये देखो हाथ कितना वीक हो गया है, वाइब्रेट कर रहा है। तो दोस्तों इसी वीक हाथ के साथ आप लोग को मिलते हैं कल। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल विच इज संभावना से एंटरटेनमेंट। बेबी ये बहुत गंदी वाली एक्टिंग करी है तुमने। इतना इतना प्रेशर लेके तुम छोड़ दो एक सेकंड, व्लॉग एंड कर दो। किसने बोला ये मेरा सेट चल रहा है बीच में कैसे छोड़ दूं? नहीं तो एक सेकंड, या तो व्लॉग का हो मैं बाद में एंड करता हूं। तो तुम व्लॉग बाद में कर लो ना। आदमी फिजियोथेरेपी कर रहा है उसके बीच में उसको कहा जा रहा है व्लॉग करो। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको कल। कल जा रहे हैं हम कहीं, अब मतलब आपको लेके जाएंगे हम अपने साथ। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल विच इज संभावना से एंटरटेनमेंट। मेरी क्या कर रहे हो यार, लग जाएगी ये सब मत करो। इससे दो काम हो सकते हैं, एक हो गया।